अरे रागिनी, तुम्हारे बेटे को तो कोई ढंग की जॉब ही नहीं मिल रही है। ऐसे लड़के को भला अपनी बेटी कौन देगा? यह तो एक काम करता है और फिर कुछ ही महीनों में काम छोड़ देता है। एक जगह टिक कर काम करे तो कोई रिश्ता लेकर भी आए। रागिनी की एक सहेली ने उसे फोन पर कहा तो रागिनी गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करके कहा कि मेरे बेटे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं, वह हम देख लेंगे, और जब समय आएगा तो उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बात दरअसल यह थी कि तरुण कोई नौकरी करना चाहता था और उसके पिताजी चाहते थे कि तरुण उनकी राशन की दुकान पर ही बैठे, लेकिन तरुण को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो आखिरकार थक हार कर वो भी अपने पापा के साथ ही राशन की दुकान पर जाकर बैठने लगा। धीरे धीरे उसे काम समझ में आया तो उसे काम करने में मजा भी आने लगा। तब उसकी सोच बदली कि अगर खुद का अपना काम है तो फिर दूसरों के यहाँ जाकर नौकरी क्यों करना, इसलिए वह भी मन लगाकर काम करने लगा। उसके लिए मधु का रिश्ता आया और उन दोनों की शादी तय हो गई। देखते ही देखते उन दोनों की शादी वाला दिन भी आ चुका था। रागिनी आज बहुत खुश थी, उसके बेटे तरुण का ब्याह जो हो रहा था। वीडियो कॉल पर वो बेटे की शादी भी देख रही थी और साथ ही साथ बहू के स्वागत की तैयारियां भी किए जा रही थी। जब उनकी बहू मधु ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा तो रागिनी तो प्रसन्नता के मारे फूली न समाई। रागिनी ने बहुत प्यार से बहू का स्वागत किया, जिसके कारण मधु को भी ससुराल में बहुत अच्छा लगने लगा था। उसका पति तरुण उसे बहुत प्यार करता था, उसकी सास भी उसका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी बहू पर कोई अनावश्यक नियम लादने की कोशिश नहीं करती थी और मधु के लिए इतना ही काफी था। उसके ससुर जी और तरुण अपनी किराने की दुकान संभालते थे, इसलिए सुबह सवेरे जल्दी उन्हें घर से निकलना होता था और रात को वो लोग देर से घर आते थे। छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे में जब मधु की सहेलियां उसे छेड़ने लगी कि तुम हनीमून पर कब जा रही हो, तो उसने अपने पति से इस बारे में बात की। अब वैसे तो तरुण भी घूमने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसका काम ही कुछ ऐसा था कि उसे काम से छुट्टी लेने के लिए अपने पिता से बात करनी थी और वह अपने पिता से हनीमून पर जाने की बात करने से हिचकिचा रहा था। फिर भी पत्नी के बार बार कहने पर उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पिता से कहा, पापा मधु कहीं घूमने जाना चाहती है, आप कहे तो कुछ दिनों के लिए उसे घूमने लेकर चला जाऊं। अखिलेश जी इनकार करते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, अभी तुम कैसे जा सकते हो, तुम तो देख ही रहे हो कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं तो नौकर बदमाशी करने लगते हैं, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है ना, घूमने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। पिता की बात सुनकर तरुण थोड़ा अनमना सा हो गया, मधु का चेहरा भी उतर गया था, लेकिन वह लोग अखिलेश जी के सामने कुछ बोल नहीं पाए। मगर रागिनी ने उन दोनों का उतरता हुआ चेहरा देख लिया था। जब वह दोनों वहां से चले गए तो रागिनी अपने पति से नाराज होते हुए बोली, आपने मुझे तो कभी हनीमून पर जाने का मौका नहीं दिया, कम से कम बच्चे घूमने जाना चाहते हैं तब आप उनके बारे में तो कम से कम सोचिए। अखिलेश हैरानी से पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा, अरे अब तुम खुद ही सोचो ना, हमारी इतनी उम्र हो गई है, बेटा बहू घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा। अगर यह लोग घूमने चले गए और पीछे से हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन देखेगा, और तुम्हें तो पता ही है कि अब मुझे दुकान पर ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता है, यह लोग घूमने के लिए कभी और भी तो जा सकते हैं। रागिनी खींच उठी और कहने लगी, और कब आएगा वो शुभ दिन, क्या आपके पास कोई दिन महीना या साल लिखा हुआ है कि बच्चे हनीमून पर कब जाएंगे। अखिलेश रागिनी की झुंझलाहट देखकर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अच्छा मैं पहले तुम्हें घुमाने नहीं ले जा पाया, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, बच्चों को जिम्मेदारी सौंप कर हम तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, तुम्हारी सारी शिकायत मैं दूर कर दूंगा। पति की बात सुनकर रागिनी खामोश हो गई और अतीत की यादों में डूब गई। जब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी तब रागिनी की सास ने बहाने बनाकर कभी भी बेटे बहू को साथ में घूमने नहीं जाने दिया। रागिनी हमेशा सोचते ही रह गई कि कभी वो अपने पति के साथ भी घूमने के लिए जाए। उसका पति उसे बार बार समझाता था कि भविष्य में उसे बाहर घुमाने के लिए जरूर लेकर जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया, क्योंकि पहले तो सास बहाने बनाकर उसे घूमने जाने से रोकती थी, लेकिन एक दिन सचमुच उसकी सास को लकवा मार गया और तब वह घर से ही बनकर रह गई, क्योंकि सास की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। उसके सारे अरमान उसके दिल में ही रह गए। उसकी सास भी जब बिस्तर से जा लगी तब वह सोचने लगी कि मैंने पहले बहाने बनाकर बहू को परेशान किया, शायद मुझे उसकी सजा मिल रही है। लेकिन उनके बहाने की सजा केवल उन्हें खुद नहीं बल्कि रागिनी को भी तो मिल रही थी, वह भी तो कहीं आने जाने में खुद को असमर्थ महसूस करती थी। साल पर साल बीतते चले गए, फिर रागिनी के बेटे का जन्म हुआ तो बच्चे के साथ सास को संभालना टेढ़ी कीर होती चली गई। खैर 10 सालों तक रागिनी ने सास की सेवा की, उसके बाद वो स्वर्ग सिधार गई। तब तरुण की जिम्मेदारियां सिर पर आ गई थी, बेटे की पढ़ाई लिखाई, उसकी परीक्षाएं, रागिनी इन्हीं सब में उलझकर रह गई थी और वह पति के साथ कभी भी घूमने के लिए नहीं जा पाई। आज वर्षों बाद जब अखिलेश उसके लिए तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाने लगा तो वह गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, हनीमून की भरपाई तीर्थ यात्रा से संभव है क्या? अरे उस समय हम घूमने गए होते तो अलग ही उत्साह होता।
हमारा रिश्ता और भी मधुर बनता। अब बुढ़ापे में जब शरीर में ताकत ही नहीं लगती है, घुटनों में दर्द रहता है, ऐसे में तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। इससे बेहतर तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन दुकान संभाल लो और बेटा बहू अपने हनीमून पर चले जाए, वरना एक बार जिम्मेदारियां सिर पर आ पड़ी तो उन लोगों को भी मेरी तरह ही घूमने फिरने का मौका नहीं मिलेगा। अब मुझे ना तो तीर्थ यात्रा पर जाना है और ना हनीमून पर, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वह लौट कर नहीं आता है। इतना कहकर ठंडी सांस छोड़ते हुए वो उठ खड़ी हुई और अखिलेश जी खामोश रह गए। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि वह अभी अपनी पत्नी के गुनहगार हैं, जो समय रहते ही वह अपनी पत्नी को कहीं घुमाने फिराने के लिए नहीं ले गए। लेकिन अब पछताने से हो भी क्या सकता था, अब उनके पास वक्त था, रुपए थे, लेकिन शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन पत्नी के फटकाने पर उनकी आंखें खुल चुकी थी और उन्होंने सोच लिया था कि वह अपने बेटे बहू को हनीमून पर जरूर भेजेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे अखिलेश जी ने नाश्ते की टेबल पर बेटे से कहा, बेटा सुनो, तुम बहू को लेकर कहीं घूम आओ, तब तक दुकान मैं संभाल लूंगा। पिता के बदले हुए स्वर सुनकर तरुण हैरान रह गया, लेकिन रागिनी मन ही मन मुस्कुरा उठी कि जो तकलीफ उसने झेली वो तकलीफ अब उसके बेटे बहू को नहीं झेलनी पड़ेगी। बेटा बहू दोनों हंसी खुशी हनीमून पर चले गए। तब अखिलेश ने अपना कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा। अब तीर्थ यात्रा पर जाने के नाम से तो तुम भड़क जाती हो, लेकिन तुम कहो तो हम दोनों हनीमून पर तो चल ही सकते हैं। देखो, भले ही हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबको संभाल लूंगा। तुम्हें केरल घूमने का मन था ना, तो चलो हम केरल ही घूमाएंगे, बच्चों को आ जाने दो, उसके बाद हम एक साथ घूमने चलते हैं। बोलो, अब तो घूमने चलोगी ना, या अभी भी बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ जाओगी? तुम्हारे कहने पर मैंने बच्चों को भी घूमने के लिए भेज दिया, अब तो मेरी भी बात मान जाओ ना, पति ने मनुहार करते हुए कहा। तो रागिनी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी और वह धीरे से बोली, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ कहीं भी घूमने जाना है तो हम जा सकते हैं, लेकिन प्लीज अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बात करो, समझे तुम? अखिलेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम तो हनीमून पर जाने के लायक हो, तीर्थ यात्रा पर नहीं। इतना कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़े तो रागिनी भी पति का साथ देते हुए खिलखिला पड़ी। फिर दोनों के बेटे बहू घूम फिर कर वापस आए तो दोनों ने हनीमून पर जाने की तैयारी कर ली। बेटे बहू ने भी उन दोनों के इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि उनके शौक तो माता पिता पूरे कर रहे हैं, लेकिन माता पिता के शौक भी तो पूरे होने चाहिए ना। दोस्तों, अपने सारे शौक समय रहते पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब उम्र हाथों से निकल जाती है तब भले ही कितना ही पैसा हो या समय हो, जरूरी नहीं कि इंसान अपने शौक पूरे कर ही पाए। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।